नमस्ते प्रणाम बी आर एम जी एस एस में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर गुलशन इंटरटेनमेंट में आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। पंजीकरण में क्या हो रहा है क्या नहीं, देखिए आप लोग आगे वीडियो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ में आप सभी का स्वागत है। पंजीकरण के बारे में आज जानकारी मिलेगी, इसके बाद ऑफिशियल अपडेट आ गई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और इन बातों का खास ख्याल रखना है क्या होने वाला है, पंजीकरण के बारे में क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती हम कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो चलिए उस ऑफिशियल अपडेट को देख लेते हैं। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ की ये ऑफिशियल साइट है और इस पर जब तक अपडेट नहीं हुआ था हमने कोई जानकारी नहीं देती। और आपको पता है कि जो भी जानकारी मैंने दी है अभी तक बिल्कुल साबित हुई हैं, बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस खबर को क्या है, ध्यान से इसको पढ़िए और एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और इसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए मैं आपको तुरंत बता दूं। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की ओर से सभी श्रमिकों का सरकार की पंजीकरण अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। आप सभी सदस्यों को आगाह किया जाता है कि सरकारी पंजीकरण के नाम पर संघ के किसी भी पूर्व अधिकारी, सदस्यों, कार्यकर्ताओं और किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह की अवैध राशि की उगाही, दोहन, शोषण, प्रलोभन से बचें, सतर्क रहें एवं इसकी सूचना संगठन को दें। ऑफिशियल अपडेट है ये। और आप सभी सदस्यों को सरकारी पंजीकरण भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा चयनित किए गए पदाधिकारियों के माध्यम से होगा एवं चयनित पदाधिकारियों की सूची संघ की ऑफिशियल वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड किया जाएगा। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ से संबंधित किसी भी सूचना संगठन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, तो या तो आप अवलोकन करते रहें या मैं आपको बता दूंगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चयनित पदाधिकारियों की सूची भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक न्यूज़ कवर नहीं की थी जो मैं आपको बता दूं कि 1 मार्च को इसके बारे में एक जानकारी कही गई थी जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से ये एक थोड़ी खुशी की खबर है, तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कुछ तो होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।